नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमचेक 80 टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, एमचेक 80 टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और एमचेक 80 टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि एमचेक 80 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एमचेक 80 एक ब्रांड नेम है। एमचेक 80 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। एमचेक 80 टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एम्लोडिपीन 5 mg और एटेनोलॉल 50 mg होता है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो, तब डॉक्टर दो दवाओं के कॉम्बिनेशन वाली एमचेक 80 टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। एमचेक 80 टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एमचेक 80 टैबलेट का उपयोग किया जाता है। एमचेक 80 टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आँखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आँखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120-80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 140 से ज्यादा और नीचे वाला 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एमचेक 80 टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एमचेक 80 टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हाथों व पैरों का ठंडा होना, शरीर में थकान व कमजोरी होना, सिर चकराना, वजन का बढ़ना, सांस फूलना, सिर दर्द होना, उल्टी आने का मन होना, पेट में दर्द होना, पैरों में सूजन होना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का धीमा होना, कब्ज होना और नींद अधिक आना आदि साइड इफेक्ट्स एमचेक 80 टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। लंबे समय तक एमचेक 80 टैबलेट को लेने से पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमचेक 80 टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। एमचेक 80 टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर एमचेक 80 टैबलेट को दिन में केवल एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। एमचेक 80 टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि एमचेक 80 टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको एमचेक 80 टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एमचेक 80 टैबलेट के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और एमचेक 80 टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि एमचेक 80 टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एमचेक 80 टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। एमचेक 80 टैबलेट माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में एमचेक 80 टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका एमचेक 80 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।